और इस वक्त एक बड़ी खबर, भोपाल के पास राता पानी में बाघ को गोली मारने का शक। पोस्टमार्टम में बाघ के सिर पर 4 छेद पाए गए। बाघ को गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। बाघ की खोपड़ी को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा गया है और ये बड़ी खबर। तो भोपाल के पास रायसेन जिले के रातापानी में एक 14 जुलाई को बाघ का कंकाल मिला था, स्केलेटन मिला था। और उस मामले में फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि इस बाघ की खोपड़ी को बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। और ये जो आप निशान देख रहे हैं, बताया जा रहा है, आशंका जाहिर की जा रही है कि ये गोली के निशान हो सकते हैं। 4 जगह पर ये गोली के निशान पाए गए हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या ये गोली चलाई गई है और शिकार किया गया है। हालांकि शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि जिस बाघ का स्केलेटन मिला है, कंकाल मिला है, उसके 3 कैनाइन दांत, जो सबसे नुकीले सामने के 2 दांत रहते हैं, नीचे के भी 2 दांत, वो दांत और 3 पंजे भी बाघ के गायब मिले हैं। राजधानी के निकट यदि शिकारी सक्रिय है तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इन लोग के मुखबिर तंत्र क्या है? इसमें करोड़ों रुपए पैसा खर्चा होता है, लेकिन यदि पोचर्स की या शिकारियों की गतिविधियों की इनको पहले ही कोई जानकारी नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे ब्लैक बक के भी शिकार की भी घटना हो रही है, तो ये फॉरेस्ट के जो अफसर और अधिकारी लंबे समय से रातापानी, अब्दुल्लागंज में जो पदस्थ हैं, इवन भोपाल डिवीज़न में भी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भोपाल में भी ये घटना हुई है, तो हमारा मानना है कि जो लंबे समय से पदस्थ अफसर से उनका क्या पोचर्स शिकारियों से सिंडिकेट, इसको तत्काल तोड़ा जाए और इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए शिकारियों को सजा दिलवाने की भी कोशिश हो। और इसके अतिरिक्त जो अब्दुल्लागंज और रायसेन में जो लंबे समय से पदस्थ हैं, जो लोकल स्टाफ है जिनकी मिली भगत हो सकती है, उनको भी वहाँ से तत्काल हटाना चाहिए। बालाघाट के लोग परेशान हैं, सड़क ना होना इनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। ये रिपोर्ट देखिए। जरा ये तस्वीर तो देखिए, ये सड़क है। जी हाँ, ये राहगीरों और ग्रामीणों के आने जाने वाली सड़क ही है। खास बात यह है कि इस सड़क पर केवल चुनाव प्रचार के दौरान ही किसी भी पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों का आना जाना होता है, बाकी अफसर कभी भूल कर भी इधर नहीं आते। गर्मी और ठंड के मौसम में अगर आ भी जाएं, तो लग्जरी गाड़ी में बैठने वाले नेताओं और अफसरों को कच्ची सड़क के गड्ढों का एहसास नहीं होता। हाँ, लेकिन ग्रामीणों को एहसास जरूर होता है, क्योंकि बारिश में इस सड़क पर ग्रामीणों की साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं चल पाती। ये तो रोड की समस्या दिख ही रही है, बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल जाते, हम ही लोग सभी लोग कहीं भी जाना आना करते, बहुत समस्या है। तो रात में अगर कोई की तबीयत खराब हो जाए, या कोई डिलीवरी वाली अगर कोई भाई है या कोई है, तो उस ट्रेन में कैसा करेंगे, ना तो गाड़ी आ सकती ना तो जा सकती। बात हो रही है बालाघाट जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर तिरोड़ी तहसील के ग्राम सादापुड़ी से तहसील मुख्यालय तिरोड़ी को आपस में जोड़ने वाली कच्ची सड़क की। बारिश के बाद इस सड़क की ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल चलाना तो दूर, पैदल चलना तक बहुत मुश्किल हो गया है। और हर साल बारिश के मौसम में सड़क की हालत ऐसी ही हो जाती है। सादापुड़ी से जो चिंदिया देवी तक जो रोड है, बहुत समस्या है, पैदल आदमी चल नहीं सकता, पूरा कीचड़ है। सरपंच को भी आवेदन ऑनलाइन 3-4 बार शिकायत कर दी है। किस ग्राम पंचायत के? ये चागाईटी। अच्छा, वो क्या बोलते हैं? यहाँ कभी डिलीवरी वाली भाई आई तो समस्या, डिलीवरी के लिए जाने के लिए बहुत समस्या है। ग्रामीणों को तिरोड़ी और सादापुड़ी भी जाने बहुत समस्या है। सड़क की हालत को लेकर लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी SN डोंगरे से फोन पर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि सड़क उनके विभाग के अधीन ही नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के GM से जब संपर्क किया।